हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो हम हैं वृंदावन में और यहाँ पर हम लोग आए सबसे पहले द्वारका जी। हम दोनों ऐसे, यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा इस टाइम, तो पहले हम लोग द्वारका जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वृंदावन, फिर हम लोग जाएंगे प्रेम मंदिर। जल्दी जल्दी चलो, आगे चलते हैं। ये नदी है, पहुंच ही गए हैं बस मंदिर में। गाइयो, आप वृंदावन आए हो, आपको गाय ना दिखे जगह जगह पे। समझो कृष्ण जी जहाँ भी जन्मभूमि चले गए, वहाँ भगवान पैदा हुए। पैदा होने के बाद जो है यहाँ लाए गए, जो है जब जो है जमुना जी ही क्रॉस करके वासुदेव जी लेकर के आए थे, उस समय की जमुना जी एकदम हलाहल थी, जो है मतलब कालिया। ये है यमुना नदी जहाँ पे हम लोगों ने अपने दर्शन की। बोलिए आप कह देना तो आपका रूम बुक हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ बुकिंग उस समय आप सोचो मिल गए आपको। लोग कह रहे हैं कि कंस को मारकर भगवान ने ही विश्राम किया था, ऐसा इनका कहना है यहाँ पे। वो देखो यमुना महारानी, यमुना मैया हंसी खुशी बुलाए, ये तो यहाँ खा करके हंसी है भगवान के आगे, जिससे कि भगवान आपको खूब हंसी खुशी बुलाए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। तो यमुना जी के दर्शन बहुत अच्छे हो गए हमारे, अब हम लोग जा रहे हैं द्वारका जी। ये पूरा मार्केट है, हर जगह कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी। आ गए मंदिर, अब पता चल रहा है कि वृंदावन आ गए हम लोग। पट अभी बंद है, 10 बजे खुलेगा और 9:30 बजे है, वेट ही कर लेते हैं। पापा खड़े हैं, बट बंद है अभी, कितनी ज़्यादा हो गई, दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है अब। दर्शन तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारी आज रात को ट्रेन भी है आगरा से इलाहाबाद की, तो जल्दी 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 जितना पॉसिबल हो पाएगा हम लोग कर लेंगे। मैं पीछे पीछे, और मैंने यहाँ ये भी सुना कि बंदर लोग फ़ोन छीन लेते हैं, तो फोन अंदर है ज़्यादा टाइम। आ साइड में ये था मंदिर, और आ गए हम कृष्ण जन्मभूमि में। श्री कृष्ण जन्मभूमि, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और अंदर बहुत कुछ था देखने के लिए, फोन अलाउड नहीं थे वहाँ। कृष्ण जी जहाँ पैदा हुए थे वो था, फिर कृष्ण जी कान्हा जी की मूर्ति थी, बहुत सुंदर है सब कुछ। यहाँ आओ ना तो जैसा लगता है बस जाओ, कान्हा जी को पकड़ो, ठाकुर जी पकड़ लेते, हम लोग देखते ही रह रहे थे। बहुत
सारे मार्केट हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खाने पीने की भी चीज़ें हैं जो आप खा भी सकते हो। आते वक्त तो भीड़ इतनी नहीं थी पर अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो अब कुछ खा भी लेते हैं, सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं, 12 बजे गया, भूख लगी है। गेस व्हाट, हम यहाँ तारीफ कर रहे हैं हमारे बनारस की कचौड़ी की, क्योंकि हमने यहाँ कचौड़ी खाई और इट वॉज ओके। मतलब क्या मम्मी बोल रही थी, कि हमारे बनारस जैसी कचौड़ी कहीं नहीं मिलती, कंपैरिजन ही नहीं है भाई, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम वाराणसी, तो हमारे शहर की तारीफ तो बनती है। बनती नहीं होती, वाकई अच्छी होती है। वाकई अच्छी होती है। जगह जहाँ राधा कृष्ण जी डांस किया करते थे, मतलब नृत्य किया करते थे। दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया हर मंदिर का, फोन तो वीडियोज ये सब अलाउड थे नहीं, या तो आप वीडियो ले लो या तो आप भगवान के दर्शन कर लो। तो दर्शन करना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हुआ। इन्हीं से तो स्माइल आगे के फ्रंट में खड़े थे और हट ही नहीं रहे थे, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। भगवान चाहेंगे तो फिर बुलाएंगे। हम आगे प्रेम मंदिर भीड़ देख रहे हो कितनी सुंदर है, मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। प्रेम मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ है, अंदर शायद कपाट बंद है अभी, देखते हैं खुली है कि नहीं है। मंदिर काफी खूबसूरत है और ठंड भी काफी अच्छी है। अंदर चलते हैं जल्दी, हमारी ट्रेन है 1 घंटे में 2 घंटे में। हाँ, पैर का क्या है? पैर का दर्द भी काफी खूबसूरत है। आज सुबह कल से चल रहे हैं, कल से चल रहे हैं। वैसे हम सब लोग कल से चल रहे हैं। हाँ, इधर से भी व्यू अच्छा है। मंदिर प्रवेश का द्वार, काफी बड़ा है। काफी खूबसूरत और काफी बड़ा। कृपाल बंदे
बादल कितना खूबसूरत लग रहा है। अब कितना खूबसूरत लग रहा है। लुकिंग सो प्रिटी रही है। अब चीजें और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। प्रेम मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है। वो यार ये कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। भीड़ कितनी हो रही है। भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। हाँ इन मंदिर के कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। पर ये सुबह लाइट रात को आते हैं ना। सुबह लाइट नहीं जलती रात में। चलिए चलो यहाँ से बाय बाय। चलो यहाँ का मार्केट कृष्ण जी की मूर्ति ही मूर्ति मिलेगी आपको। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रसाद प्रसाद प्रसाद।